क्रिसमस शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिस्ट और मास, जिसमें क्रिस्ट का मतलब क्रिश्चियन और मास का मतलब लोग होता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव के आगमन से पहले ही लोग खूब तैयारियों के साथ अपने घरों और चर्च आदि को सजाते हैं। ईश्वर के बेटे माने जाने वाले ईसा मसीह के जन्म का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने लोगों को जीने का नया रास्ता सिखाया और उन्हें तमाम तरह के दुखों और तकलीफों से बचाया। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ने ऐसे समय में जन्म लिया जब समाज में लालच, नफरत, अंधविश्वास आदि कुरीतियां भरी हुई थी। यीशु को ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर लोगों को प्रकाश और सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया था। यीशु का अर्थ होता है मुक्तिदाता। यीशु के जन्म की भी अद्भुत कहानी है। आज से हजारों साल पहले नासरत में ग्रैबियल नाम के एक स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और कहा कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उस समय मरियम यूसुफ की मंगेतर थी। ये खबर सुनते ही यूसुफ ने बदनामी के डर से मरियम को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन जब उसी स्वर्गदूत ने यूसुफ को पूरी बात समझा दी तो वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया। उस समय नासरत रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मरियम की गर्भावस्था के दौरान ही रोम राज्य की जनगणना का समय आ गया। तब नियमों के चलते यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम को लेकर नाम लिखवाने यरूशलम के बेतलम नगर को चला गया। किसी भी सराय में जगह ना मिलने के कारण उन्होंने एक गौशाला में शरण ली। यहीं पर मरियम ने एक बालक को जन्म दिया और कपड़े में लपेटकर घास से बनी चरनी में लिटा दिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं और प्यार व भाईचारे का संदेश देने एक दूसरे के घर जाते हैं। ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा अपने घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। क्रिसमस के दिन विशेष रूप से चर्चों को सजाया जाता है और सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा होती है। प्रभु यीशु मसीह की जन्म गाथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस दिन आंगन में क्रिसमस ट्री लगाकर सजाया जाता है और इस त्यौहार में केक का विशेष महत्व होता है। क्रिसमस पर बच्चों के लिए ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है सांता क्लॉज, जो लाल और सफेद कपड़ों में बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार और चॉकलेट्स लेकर आता है। ये एक काल्पनिक किरदार होता है जिसके प्रति बच्चों का लगाव होता है। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज स्वर्ग से आता है और लोगों को मनचाही चीजें उपहार के तौर पर देकर जाता है। सांता अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धन्यवाद। Wishing all of you a very Merry Christmas.